हाय एवरीवन, वेलकम टू पियालीस किचन। आज की रेसिपी है कॉफ़ी आइसक्रीम विद डार्क चॉकलेट चिप्स। ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें कॉफ़ी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डार्क चॉकलेट चिप्स का जो क्रंच है वो सबको बहुत पसंद आता है, और ये बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हाफ लीटर दूध लेना है, और हाफ लीटर दूध को धीमी आंच में धीरे धीरे इसका आधा होने तक उबालना है। और दूध उबलने के समय इसको ऐसे विस्क करते रहना है जैसे दूध गाढ़ा होता जाए लेकिन इसका मलाई ऊपर में जमा ना हो। दूध जब बॉईल हो जाएगा तो उसमें एक कप शुगर डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ी देर बॉईल हो जाने के बाद हम लोग 4 बड़े स्पून के कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसमें ठंडा दूध मिला लेंगे और एक स्लरी बना लेंगे। इस कॉर्नफ्लावर की स्लरी को अच्छे से मिला के उसको गाढ़ा किया हुआ दूध के अंदर डाल देंगे और अच्छे से उसको भी मिला देंगे। दूध की कंसिस्टेंसी जब ऐसा हो जाएगा उसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे और कोको पाउडर को भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। कोको पाउडर मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है। कोको पाउडर थोड़ा सा मिल जाने के बाद इसके अंदर इंस्टेंट कॉफ़ी डालेंगे 1.5 स्पून। कॉफ़ी और कोको पाउडर मिलाने के बाद इसको धीमी आंच में विस्क करते हुए उबालना है और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। जब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी केक बैटर की जैसी हो जाएगी तब इसको 2 घंटे के लिए गैस ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको नॉर्मल फ्रिज में रख देना है। अभी 1.5 कप चिल्ड फ्रेश क्रीम लेंगे और उसको व्हिप करेंगे। उस बॉल को कुछ आइस क्यूब्स के ऊपर रख के बीट करना है। कम से कम 5 मिनट बीट करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। फ्रेश क्रीम के अंदर अगर कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो व्हाइट क्रीम हो जाता है बहुत आसानी से। कॉर्नफ्लावर और पीसी हुई चीनी डालने के बाद इसको फिर से 5 मिनट के लिए व्हाइट करेंगे और ये क्रीम थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। इसके 5 मिनट के बाद ही इसमें आ जाएगा स्टिप पीक। ये देखिए इसमें स्टिप पीक आ गया है। अभी व्हिप क्रीम के अंदर हम लोग चॉकलेट और कॉफ़ी का जो मिक्सचर है उसको मिला लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार व्हिप कर लेंगे। आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी है। अभी एक एयरटाइट कंटेनर में ओरियो बिस्किट, चॉको चिप्स और पूरा मिक्सचर डाल के इसको बंद करके कम से कम 6 आवर्स के लिए डीप फ्रीजर में रखना है। छः घंटे बाद आइसक्रीम तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ मिक्सचर एयरटाइट कंटेनर में ही डालना है, नहीं तो इसके अंदर क्रीमीनेस नहीं आएगी। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।